आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। मॉलिक्यूलरिटी को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है। तो इन जनरल हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस आर नथिंग बट ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शंस कुछ नहीं है, केवल पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना है। तो आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस में, स्पेशली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो टूटते हैं और उनकी जगह नए बॉन्ड्स, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। देन व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, दैट इज नथिंग बट ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अब यहां पर एक आती है बहुत ही फेमस थ्योरी, दैट इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। ए केमिकल रिएक्शन ऑकर्स ओनली व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे। तो याद रहे, केमिकल रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में टक्कर होना जरूरी। देयर मस्ट बी कोलिजन एमंगस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस। लेकिन यहां देखा गया कि जब मिलियंस ऑफ कोलिजन्स होते हैं, लाखों करोड़ों कोलिजन्स होते हैं, तो उनमें से केवल वन आर टू, एक या दो कोलिजन्स ही ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करवा पाते हैं, और मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स जो है वो अनइफेक्टिव कैसे रह जाते हैं, इनइफेक्टिव रह जाते हैं, अप्रभावी रह जाते हैं टू कैरी आउट द रिएक्शन। रिएक्शन को कराने में वे सक्षम नहीं हो पाते हैं। मतलब ये कोलिजन्स भी दो टाइप के हो गए, टक्कर आपने देखा कि ये दो टाइप के हो गए। एक को आपने नाम दिया इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या होते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स? तो याद रहे वो कोलिजन्स जिनके बाद रिएक्शन संपन्न हो जाता है, दैट इज विच आर कैपेबल टू कैरी आउट द रिएक्शन। जो रिएक्शन को करवाने में सक्षम होते हैं उनको हम नाम देते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स, प्रभावी टक्कर। और दूसरे टाइप का कोलिजन हो गया इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव कोलिजन्स क्या है भाई? दोज कोलिजन्स विच आर नॉट कैपेबल टू कैरी आउट द रिएक्शन। ऐसे कोलिजन्स जहाँ रिएक्शन नहीं हो पाता, ऐसे कोलिजन्स जो रिएक्शन नहीं करा पाते क्या कहलाते हैं? तो इनइफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं। तो आपको बताया गया कि केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, बट टकराने के बाद रिएक्शन हो जाए ये जरूरी नहीं है। टकराने के बाद रिएक्शन हो भी सकता है। अगर कोलिजन्स के बाद रिएक्शन हो जा रहा है तो उसे हम नाम देते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स, यानी प्रभावी टक्कर। और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? इनइफेक्टिव कोलिजन्स, दैट इज अप्रभावी टक्कर। याद रहे मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स इन जनरल कैसे होते हैं? इनइफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या रिलेटिवली कम होती है और यही रीजन है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? रिलेटिवली कम होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहां पर प्रश्न खड़ा हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो ध्यान दीजिए, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। एक सिंगल स्टेप प्रोसेस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वह न्यूनतम संख्या जो आपस में टकराकर रिएक्शन करा देते हैं। कैसे डिफाइन किया आपने मॉलिक्यूलरिटी को? द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली। याद रहे साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मतलब अगर तीन मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो एक साथ टकराए। देखिए कैसे, मान लीजिए थ्री मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, एक ये मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल।
तो ये एक दूसरे के पास आकर एक साथ टक्कर करें, लाइक दिस। ऐसा नहीं कि दो टकराया, कुछ समय बाद घूमते हुए तीसरा आया और टकरा गया। दैट विल नॉट बी साइमल्टेनियस कोलिजन, उसको हम साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं बोलेंगे। साइमल्टेनियस कोलिजन क्या होगा, जहां पर मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकराएं, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस कोलिजन। तो आपने डिफाइन कैसे किया मॉलिक्यूलरिटी को, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्टेप प्रोसेस टू कैरी आउट द रिएक्शन, टू लीड द रिएक्शन, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हिंदी में कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो एक पदीय प्रक्रम में सिंगल स्टेप प्रोसेस में एक साथ टकराकर अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया संपन्न कराते हैं, क्या कहलाता है, अभिक्रिया की आणविकता, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस कहलाता है। तो आपने मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन किया कैसे भाई, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्टेप प्रोसेस टू कैरी आउट द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। अब डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलरिटी, आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं मोनोमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। किसके बेसिस पर, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है, एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन करा दे रहा है तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। अब यहां पर प्रश्न खड़ा हुआ कि अकेला मॉलिक्यूल है तो टकराएगा किससे, ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, अकेला मॉलिक्यूल है वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा सकता है, किसी इनर्ट मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल से जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराया, उस मॉलिक्यूल को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खुद डिकम्पोज हो गया। तो सिंगल मॉलिक्यूल भी रिएक्शन करा सकता है, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 भी हो सकती है। तो आपने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी कौन सी आ गई, तो एक को आपने नाम दिया मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या नाम दिया आपने, मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होंगे, तो याद रहे ऐसे मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऐसे रिएक्शंस जहां सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन को करा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी। एक एग्जांपल देखते हैं हम मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का, किसका एग्जांपल लेने जा रहे हैं, मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का। सपोज ये एग्जांपल है H2O2, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, याद रहे हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर आप हल्का सा भी इसे हीट करते हैं, ये डिकम्पोज होकर देता है H2O और प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो H2O2 टूट कर क्या दे रहा है, H2O प्लस हाफ O2, इट इज मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, मोनो मॉलिक्यूलर, क्योंकि यहां पर अकेला मॉलिक्यूल सक्षम है रिएक्शन संपन्न कराने। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, सपोज हम अमोनियम नाइट्राइट का केस लेते हैं, NH4NO2, ऑन हीटिंग इट गिव्स N2 प्लस 2H2O। अकेला मॉलिक्यूल अमोनियम नाइट्राइट का अकेला मॉलिक्यूल सक्षम है रिएक्शन करा देगा, यहां पर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, किसमें, नाइट्रोजन और H2O में। कैसा रिएक्शन कहलाएगा, मोनोमॉलिक्यूलर। देन व्हाट आर मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कैपेबल टू कैरी आउट द रिएक्शंस। द एग्जांपल इज क्या क्या है, एग्जांपल्स आर H2O2 gives H2O plus half O2.
NH4NO2 on heating gives N2 plus 2H2O. कैसा एग्जाम्पल है यह? तो मोनोमॉलिक्यूलर, एक अणु अभिक्रिया. इसके बाद दूसरा कैटेगरी आता है जिसको आप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं. बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस किसको बोलेंगे? दोज रिएक्शंस वेयर एटलीस्ट टू मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन. ऐसे रिएक्शंस जहां पर कम से कम दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए, क्या कहलाएंगे? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, हिंदी में द्विअणुक अभिक्रिया. एग्जाम्पल देखते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का. ये देखिए आप, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस. इट इज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. ये सब कैसे थे? तो ये सब एग्जाम्पल थे मोनो मॉलिक्यूलर के. किसके? मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के. ये एग्जाम्पल है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. कैसा है यह? तो बाई मॉलिक्यूलर, कहीं कहीं डाई मॉलिक्यूलर लिखा हुआ मिलेगा. सेम चीज है, बाई मॉलिक्यूलर और डाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, दैट इज द्विअणुक अभिक्रिया. क्या होती है? तो वो रिएक्शंस जिसमें अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए कम से कम दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, दो अभिकारक अणुओं की जरूरत पड़ती है, क्या कहलाते हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. क्लियर है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बाद आप देखेंगे कि ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आते हैं. क्या होंगे? सिंपल सी बात है, जहां पर रिएक्शन करने के लिए कम से कम तीन मॉलिक्यूल की जरूरत हो, क्या कहलाएंगे? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. ये देखिए रिएक्शन भाई, 2NO गैस नाइट्रिक ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स प्लस O2 गैस गिब्स 2NO2 गैस. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जहां पर अभिक्रिया संपन्न होने के लिए कम से कम तीन अणुओं की जरूरत होती है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर तीन मॉलिक्यूल एक साथ आपस में टकराकर रिएक्शन को संपन्न कराते हैं. तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्टेप प्रोसेस. इस पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिए, आगे चलकर हम इसको और इलेबोरेट करेंगे. इन ए सिंगल स्टेप प्रोसेस टू कैरी आउट द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस मे बी मोनोमॉलिक्यूलर. अगर मॉलिक्यूलरिटी एक है तो रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, एक अणु का अभिक्रिया. दे मे बी बाई मॉलिक्यूलर, द्विअणु का अभिक्रिया. आप देखिए दो मॉलिक्यूल आपस में टकराकर रिएक्शन करा रहे हैं. दे मे बी ट्राई मॉलिक्यूलर, रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? ट्राई मॉलिक्यूलर, जब तीन मॉलिक्यूल आपस में टकराकर रिएक्शन कराएंगे. क्या नाम दोगे आप? ट्राई मॉलिक्यूलर. बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैनॉट एक्सीड 3. याद रहे, आपसे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती. तो ऑलवेज रिमेंबर, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस कैनॉट एक्सीड 3. रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी, अभिक्रियाओं की आणविकता 3 से अधिक नहीं हो सकती. क्यों भाई? क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियस कोलिजन रेयर होता है, इन जनरल नहीं होता. क्या बताया गया? तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का, मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स का जो साइमल्टेनियस कोलिजन है, एक साथ टक्कर है, वह रेयर होता है, दुर्लभ होता है. इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी कैनॉट एक्सीड 3 से ज्यादा नहीं हो सकती. क्यों भाई? मॉलिक्यूलरिटी आप किसको बोलते हो? सिंगल स्टेप प्रोसेस में एक साथ मॉलिक्यूल टकराकर रिएक्शन कराएं. यहां पर दो मॉलिक्यूल का टक्कर बहुत ही कॉमन है, तीन मॉलिक्यूल का भी टक्कर आपस में देखने को मिलता है साइमल्टेनियस कोलिजन, लेकिन
चार मॉलिक्यूल एक साथ चार दिशाओं से आएं और एक साथ एक दूसरे से टकराएं, इन जनरल ये रेयर होता है। ये अलग बात है कि दो मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल आपस में टकराए हैं, चौथा कुछ देर बाद आकर टकरा रहा है, तो उसे आप साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं बोलेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि चूंकि तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियस कोलिजन यानी एक साथ टक्कर असंभव है, इन जनरल दुर्लभ है, रेयर है, ये सही वर्ड होगा इसके लिए। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज्यादा, आणविकता का वैल्यू तीन से ज्यादा नहीं होता है। मॉलिक्यूलरिटी कैनॉट बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी शून्य भी नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्योंकि शून्य मॉलिक्यूल है तो टकराएगा किससे? तो नेचुरली मॉलिक्यूलरिटी कैनॉट बी जीरो, इट कैनॉट बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हाफ या वन एंड हाफ, थ्री बाई टू, इस टाइप का नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा पूरा पूरा टकराता है, आधा अधूरा नहीं टकराता। तो नेचुरली मॉलिक्यूलरिटी कैनॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती। इट कैनॉट एक्सीड थ्री, ये तीन से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड मॉलिक्यूलरिटी कैनॉट बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, कोई भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि कई बार रिएक्शन में ढेर सारे मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, तो वो रिएक्शन एक्चुअल में मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, वहां पर अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हमको काउंट करनी पड़ती है, जो कि वन टू और थ्री हो सकती है, बट इट कैनॉट एक्सीड थ्री, ये तीन से ज्यादा नहीं हो सकती। अब एक खास बात, मॉलिक्यूलरिटी जो है यह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन के मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है, मैकेनिज्म से एसोसिएटेड है, संबद्ध है। तो क्या देखा आपने, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट व्हिच कैन इजिली बी डिसाइडेड बाई ऑब्जर्विंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर, प्रोवाइडेड दैट दिस इक्वेशन शुड बी सिंगल स्टेप रिएक्शन, शुड बी सिंगल स्टेप, अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है, तो आप रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन को देखकर, बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप इस रिएक्शन में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, H2O2, दैट इज वन H2O2, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलरिटी, वन। इस रिएक्शन में आप देखिए, यहां भी सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, नेचुरली इस रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, वन। यहां पर देखिए H2 का एक मॉलिक्यूल और I2 का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, नेचुरली इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, टू होगी, दिस इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस केस में देखिए, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO कंबाइंस विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2, नेचुरली इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2+1, दैट इज 3। तो मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विच कैन इजिली बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बट कंडीशन क्या है, रिएक्शन शुड बी सिंगल स्टेप, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए, एक पदीय होना चाहिए। कई बार रिएक्शन में थ्री से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, चलिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं जहां पर तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं। सपोज ये रिएक्शन 4HBr+O2 gives 2H2O+2Br2। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr कंबाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच H2O and Br2। तो इस रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर 4। कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं, 4, चार मॉलिक्यूल HBr के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो क्या इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 5 होगी? आंसर इज नो, बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी कैनॉट एक्सीड 3।
मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, नेचुरली इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 5 नहीं होगी, फिर क्या होगी? तो याद रहे ऐसे रिएक्शंस एक्चुअल में सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होते, एक पदीय अभिक्रिया नहीं है यह, इट इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन, या एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरा होता है, और यहां पर अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हमको लेनी पड़ती है, और वो या तो 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, बट इट विल नेवर एक्सीड 3, 3 से ज्यादा नहीं होगी। तो आपने क्या देखा अभी तक, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। याद रहे मॉलिक्यूलरिटी स्टेप की होती है, अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो वही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बन जाती है, लेकिन अगर मल्टी स्टेप है तो अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती है। तो कैसे डिफाइन किया आपने मॉलिक्यूलरिटी को, आणविकता को, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्टेप प्रोसेस टू लीड द रिएक्शन, टू कैरी आउट द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आपने देखा कि मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2 और 3, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस की 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस में बी मोनो मॉलिक्यूलर, दीज आर एग्जांपल्स, बाई मॉलिक्यूलर और ट्राई मॉलिक्यूलर। बट मॉलिक्यूलरिटी आप सिंगल स्टेप रिएक्शन नेवर एक्सीड्स 3, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन की वो कभी 3 से ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि साइमल्टेनियस कोलिजन 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल का रेयर होता है। कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट एक्सीड 3, तो क्या रीजन है? 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियस कोलिजन रेयर है। जबकि हम मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलते हैं? उन मॉलिक्यूल्स की संख्या को जो एक साथ आपस में टकराकर रिएक्शन कराते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और जीरो। मॉलिक्यूलरिटी ना तो भिन्नात्मक हो सकती है और न ही जीरो हो सकती है। और आपको बताया गया कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन के मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। रिएक्शन में कौन कौन से स्पीसीज आपस में किस ढंग से टकराकर रिएक्शन करा रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड है कौन? मॉलिक्यूलरिटी। तो आपने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में एक जनरल सा लिटरेचर देखा, एक जनरल सा अकाउंट देखा। इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी से ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो अब अपने को देखना है कि ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, लेकिन इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में आपने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में स्टडी किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है।